नमस्कार नमस्कार दोस्तों, क्रिश जिसका फुल फॉर्म है कार्मिक रेस्टोरेशन रिवाइवल ऑफ इंडो वैदिक साइंटिफिक एंड सोशो कल्चरल हेरिटेज और मिशन है री इन्वेंटिंग वैदिक विजडम। तो आज हम बात करेंगे कि जो मिलेनियल्स हैं, नेटजेंस हैं, उनके लिए बड़ा आसान है, वेरी इजी फॉर देम टू बिकम ग्रेट फ्रेंड्स विद द नवग्रह। नवग्रह मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह से उनको मित्रता बड़ा आसान है। अब थोड़ा सा बेसिक बात करें तो वैदिक साइंस के ऊपर और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर की जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि एक तो थ्योरी ऑफ कर्म है, जैसी करनी वैसी भरनी, और उसके लिए रीबर्थ की थ्योरी है और बार बार जन्म लेते हैं, और उसमें फिर इंटरलिंकिंग है सारी जो दुनिया में सृष्टि। ये हमारे वैदिक ऋषिस की बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने इसको स्टडी करा कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पूरी सृष्टि है, एलिमेंट्स हैं, सोलर सिस्टम है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और चाहे ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सब जो हैं इन 9 प्लैनेट्स नवग्रह या सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। और एक और जो वैदिक थ्योरी है, यू आर द माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। इसका मतलब ये है कि आप के अंदर हर वो चीज़ है जो इस ब्रह्मांड में है, मनुष्य के अंदर हर वो चीज़ है। और अगर हम आप विजुलाइज कीजिए कि हमारे बॉडी का एक एक सेल अगर हम देखें तो उसमें पूरा सोलर सिस्टम है। हर सेल में जितने भी सोसाइटी एलिमेंट्स हैं जो ब्रह्मांड में हैं, वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। उनकी परसेंटेजेस में फ़र्क है, पर वो किसी न किसी फॉर्म में है। अब इस बैकग्राउंड के बेसिस पे हम जब विजुलाइज करते हैं कि हमारे हर सेल में सोलर सिस्टम है, सारे प्लैनेट्स हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो वैदिक साइंटिस्ट ने, वैदिक ऋषि ने स्टडी करा, वो करा ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये हमारे ह्यूमन रिलेशंस पे भी से भी लिंक्ड है। तो आज हमारा फोकस यही रहेगा कि हम ह्यूमन रिलेशंस में रहते हुए अपने प्लैनेट्स के साथ अपनी मित्रता, अपनी फ्रेंडशिप्स कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं नवग्रह के साथ, सन है, मून है, मार्स है, राहु केतु हैं, वो 3 तरह के होते हैं। फ्रेंड होता है, एनिमी होता है और न्यूट्रल होता है। और हम जो भी जीवन में कर्म कार्य करते हैं, हमारा एम यही है कि हम सब ग्रहों के साथ हमारी ग्रेट फ्रेंडशिप हो जाए, परम मित्रता हो जाए, और उसी तरफ हमारे सारे कदम होने चाहिए। तो सूर्य के साथ कैसे परम मित्रता हो, चंद्रमा के साथ कैसे परम मित्रता हो, तो ये ह्यूमन रिलेशंस के साथ। आप मंदिर में जाकर नवग्रह की पूजा भी कर सकते हैं, आप प्लांट्स के साथ भी आप उनके एसोसिएशन कर सकते हैं, आप एनिमल्स के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशंस के साथ एसोसिएशन। तो ये चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने इसलिए इधर में चार्ट में डिटेल बता दिए कि जो हमारे वार हैं, दिन हैं, वो हमारे साथ जो दिन हैं वो कैसे ह्यूमन रिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका कोई भी रिलेशन है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी रिलेशन है, तो आपके रिलेशन में 3 तरह की सिचुएशन है। एक तो वो रिश्ता आपका अलाइव है, डेड है, और दूसरा अगर जिंदा है, अलाइव है, तो वो आपके साथ रहते हैं या आपसे दूर रहते हैं। तो ये जो तीनों सिचुएशंस हैं, इसमें हम कैसे थ्रू रिलेशनशिप्स हम प्लैनेटरी फ्रेंडशिप्स अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमारे को पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस बढ़ाने में मदद करे। तो हम स्टार्ट करते हैं संडे से, ठीक है। तो संडे फादर्स डे, मंडे मदर्स डे, ट्यूसडे सिबलिंग ब्रदर सिस्टर डे, वेडनेसडे चिल्ड्रन डे, थर्सडे टीचर मेंटर गुरु डे,
फ्राइडे सेवक डे, या जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं हमारी सेवा करते हैं, और सैटरडे सीनियर सिटीज़न बोले हैं, दादा दादी नाना नानी बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनका दिन। और राहु केतु भी रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं, वो मैं आपको अभी एक इन्फॉर्म करूंगा, और एक एक सेपरेट टॉक राहु केतु के ऊपर भी रखेंगे। तो आप इन रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, कि आप अगर जब अपनी होरोस्कोप देखते हैं तो आपके प्लैनेट कमज़ोर होते हैं कुछ के, किसी का सन कमज़ोर है, किसी का मून वीक है, किसी का मार्स वीक है, किसी का सैटर्न वीक है, किसी का कोई भी प्लैनेट वीक हो सकता है। और अगर हम उस रिलेशनशिप को खुश करें, उसके लिए काम करें, तो वो प्लैनेट हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, वो एरिया ऑफ हमारा लाइफ जो वो गवर्न करता है वो बेटर हो जाता है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आज के ज़माने में जो नेटजेंस हैं, यानी जो दो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, या मिलेनियल्स हैं जो 1980 के बाद पैदा हुए हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो गया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से, कि वो अपने रिलेशनशिप के साथ अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, आप सेवा के माध्यम से कर सकते हैं, सर्विस के माध्यम से, फूड उनको जो खाना पसंद हो उसके हिसाब से कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, इस तरह कई मेथड्स हैं। और आज के ज़माने में अर्बन क्लैप है, आप दूर बैठे बैठे अपने रिलेशनशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आपका जोमेटो है और इस तरह के फूड हैं, फूड उनके मनपसंद फूड उनको खिला सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके पास फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है, इस तरह के हैं जो आप उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब डिटेल्स में अगर हम जाएँ तो संडे फादर्स डे है, तो जिसके होरोस्कोप में सन कमज़ोर है, सन वीक है, उसको संडे के दिन अपने फादर को ध्यान में रखना चाहिए। फादर तो इनसे रिलेशनशिप कमज़ोर के अलावा, अगर आपको रिलेशनशिप प्लैनेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग करने हो तो भी आप ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये संडे मैंने बताया कि फादर्स डे, मंडे मदर्स डे, ट्यूसडे सिबलिंग डे, वेडनेसडे चिल्ड्रन डे, ठीक है ना, थर्सडे टीचर्स डे, मेंटर्स डे, फ्राइडे सबॉर्डिनेट्स, सेवक डे, सैटरडे सीनियर सिटीजन्स डे, ये आप उस दिन जो है पर्टिकुलरली कर सकते हैं। कि जैसे आप सूर्य, आपके को आपको सूर्य से मित्रता अपनी बढ़ानी है, तो अपने फादर का ध्यान करें, सुबह उठकर उनकी सेवा करें, दूर हैं तो अर्बन क्लैप से उनके लिए मसाज करवा सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। संडे के दिन उनको मनपसंद खाना जो पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, बना सकते हैं, खिला सकते हैं, या ऑर्डर भी कर सकते हैं स्विगी पे और जोमेटो पे। तो ये हो गया फादर्स डे, मदर्स डे हो गया मंडे के दिन। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, अगर आप चंद्रमा से मित्रता ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, तो अपने मदर की सेवा करें, मदर का ध्यान दें, मदर को मनपसंद चीज़ खिलाएं, मदर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और ट्यूसडे आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स का दिन है, आपको अगर आपका मंगल कमज़ोर है और आप अपने मंगल से मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने भाई बहन के बारे में सोचें, ट्यूसडे को सुबह उठ के उनके कल्याण के बारे में सोचें, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें, उनके लिए कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, उनको उनके मनपसंद का खाना खिला सकते हैं। और वेडनेसडे हो गया चिल्ड्रंस डे, तो जिन्होंने पिछले अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी बुध कमज़ोर है, पिछले जन्म में बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया है, तो वो आप अपने बच्चों से अपना रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हैं आपके बुध जो है वो आपसे मित्रता बढ़ जाए और आपका स्ट्रांग हो जाए, जो आप जो एरियाज आपके वो डिफाइन कर रहे हैं आपके होरोस्कोप में, तो बच्चों का ध्यान दें वेडनेसडे को, उनके वेलफेयर का ध्यान दें, उनकी सेवा के बारे में, उनके उनके मनपसंद खाना खिलाएं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं। थर्सडे हो गया गुरु का दिन, हो गया टीचर्स का दिन, हो गया मेंटर का दिन, हो गया, तो उनको आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मनपसंद उनको भोजन करा सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और फ्राइडे हो गया सबॉर्डिनेट, आपके जो सेवक हैं, आपके घर में खाना बनाते हैं, आपके जो गाड़ी साफ करते हैं, जो भी आपके साथ सेवा का काम करते हैं, तो उनके बारे में सोचिए, उनको कैसे गिफ्ट दे सकते हैं, या उनको आप उनके मनपसंद का खाना खिला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और सैटरडे हो गया दादा दादी नाना नानी या सीनियर सिटीजन्स डे, जिस दिन आप उनके बारे में सोचें, सुबह उठकर ध्यान लगाएं,
और उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको भोजन खिला सकते हैं उनके मनपसंद का, और उनको गिफ्ट दे सकते हैं। राहु केतु खास मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली हर समय इफेक्ट करते हैं, वो एक एक्सिस डिटरमाइन करते हैं। वो एक्सिस जिनके आसपास ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो विजनरी इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह बोलते हैं, और वो एक्चुअली एक्सिस डिटरमाइन करते हैं। कभी डिटेल में राहु केतु के बारे में हम बात करेंगे। तो वैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो राहु डिटरमाइन करते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो राहु से डिटरमाइन होते हैं, जो जो क्लिनलीनेस का काम करते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं वो राहु से डिटरमाइन करते हैं। तो इसी तरह जो केतु है, जो लोग अब डिफरेंटली एबल्ड में दो हैं, एक जिनके ऑर्गन सारे इंटैक्ट हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन जिनके ऑर्गन एम्पुट हुए हुए हैं, कटे हुए हैं, या जिनके विजन नहीं है, या जिनको सुनाई नहीं देता, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल, वो केतु से डिटरमाइन होते हैं। और इसी तरह जो वेस्ट टू वंडर्स करते हैं लोग, जो जो एक जिसको हम वेस्ट बोलते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू यूजफुल थिंग्स, ऐसे लोग भी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। तो ये आप डेली बेसिस पे अगर करें तो आप ये दिन याद रखें, और इन 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 रिलेशनशिप्स के साथ बेटर रिलेशनशिप करेंगे तो आपके प्लैनेट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेटर होते चले जाएंगे और ग्रेट फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।